बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे सामईन, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर अफियत से रखे, खुश रखे। प्यारे सामईन, क्या आप जानते हैं कि दुरूद इब्राहिमी सबसे ताकतवर दुरूद शरीफ है? जादू में झगड़े कितने ही लोगों ने जब इस दुरूद शरीफ की तलावत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया तो बड़े से बड़ा जादूगर बिखर कर रह गया। बीमारी में मुब्तला कितने ही मायूस लोगों ने जब इस दुरूद शरीफ को अपनी जुबान का विर्द बना लिया, देखते ही देखते बड़ी बड़ी बीमारियां चंद दिनों में दूर हो गई। कैद में गिरफ्तार कितने ही परेशान हाल बंदों ने इस दुरूद शरीफ से यारी लगाई तो रिहाई के रास्ते आसान से आसान तर होते चले गए। बेरोजगारी से तंग कितने ही मुखलिस मेहनत कशों ने जब इस दुरूद शरीफ की तरफ तवज्जो दी तो इनके रिज़्क में बरकत होने लगी। नजरे बस से दस्य कितने ही मुर्दा चेहरे इस दुरूद शरीफ की बरकत से चमकने दमकने लगे। इस दुरूद शरीफ का रास्ता कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, बल्कि ये बहुत आसान रास्ता है। रोजाना अगर कोई इसे 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले तो ये कसरत में शुमार हो जाता है, और कसरत दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की बेशुमार बलाइयां नसीब होती हैं। रब की रहमत इन पर बारिश की तरह बरसती है, करीम के करम बे इंतहा होते हैं। इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अताएं और करम की नगाहें नसीब होती हैं। दुख मिट जाते हैं, गम दूर हो जाते हैं, परेशानियां और मुश्किलात दुरूद पढ़ने वालों के घर से दूर भाग जाती हैं। बलाएं वबाएं आफतें इस घर से अपना रुख चेंज कर लेती हैं। जिस घर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले रहते हैं, नजरे बद हर किस्म के जादू जन्नात डिप्रेशन बुरी नजर तरह तरह की बीमारियां हो उनसे महफूज रहते हैं। और जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले दुश्मन के शर से, शरीर शैतान के शर से, हादसों के हसद से और मुनाफिकत से महफूज रहते हैं। दुरूद पढ़ने वालों को कदम कदम पर कामयाबियां नसीब होती हैं, हकीकी इज्जत और शोहरत और गैबी दौलत मिलती है। दुरूद पढ़ने वालों के घर और घर वाले शादो आबाद रहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को करीम अल्लाह दुरूद के सदके कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को ना कोई झुका सकता है, ना दबा सकता है, ना गिरा सकता है, ना डरा सकता है, ना कोई हरा सकता है। और जो शख्स अपनी सारी खताओं को दुरूद बना दे, इसके दुनिया और आखिरत के सारे कामों की कफायत बना दे। हज़रत अबी की रिवायत में गुजर चुका, और खताओं का मिटा देना और उसके सवाब का गुलामों के आजाद करने से ज्यादा होना और उसकी वजह से खतरात से निजात पाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत के दिन इसके लिए शाहदो गवाह बनना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का वाजिब होना और अल्लाह की रजा और उसकी रहमत का नाजल होना और उसकी नाराजगी से अमन का हासिल होना और क़यामत के दिन अर्श के साया में दाखिल होना और अमाल के तुलने के वक़्त नेक अमाल के पलड़े का झुकना और खोजे कोसर पर हाजिरी का नसीब होना और क़यामत के दिन की प्यास से अमन नसीब होना और जहन्नम की आग से खलासी का नसीब होना और पुल सरात पर सहूलत से गुजर जाना और मरने से पहले अपना ठिकाना जन्नत में देख लेना और जन्नत में बहुत सारी बीवियों का मिलना और इसके सवाब में 20 जहादों से ज्यादा होना और नदार के लिए सदका के कायम मकाम होना और दुरूद शरीफ ज़कात है और तहारत है और इसकी वजह से माल में बरकत होती है और इसकी बरकत से 100 हाजतें बल्कि इससे भी ज्यादा पूरी होती हैं। और इबादत तो है ही, और अमाल में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। मजालिस के लिए जीनत है और तंगी मशियत को दूर करता है। तो मेरे बहन भाइयों, दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें और सुने इस अजीम नेमत को, लाजवाब दौलत को सिर्फ अपनी जात तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने प्यारों को, घर वालों को, अपने अजीजों अकारब को, दोस्तों को और जहां तक मुमकिन हो हर मुसलमान को दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दें। दुरूद शरीफ की दावत को आम करें ताकि कोई भी मुसलमान इस नेमत से महरूम ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन।